नमस्कार, आप देख रहे हैं देश के सबसे नंबर वन राष्ट्रीय न्यूज चैनल मन्नत समाचार और मैं हूं आपके साथ योगेश्वर भारती। इस वक्त हम आप पहुंचे हैं सुपौल जिले के बीरपुर नगर पंचायत में और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नगर पंचायत चुनाव कुछ ही महीनों बाद होना है। इस कड़ी में हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हैं रिटायर्ड आर्मी दिलीप कुमार यादव जी, उनके आवास पर भी वो मौजूद हैं, जिन्होंने लंबे समय से देश का सेवा किया और अब ये समाज की सेवा करना चाहते हैं। इन्हीं कारणों से इस बार बीरपुर नगर पंचायत से अध्यक्ष के रूप में दावेदारी पेश करने जा रही है। इनसे हम बात करेंगे कि आखिर चुनाव लड़ने का पर्पस क्या है, क्यों लड़ना चाहते हैं, आखिर उद्देश्य क्या है, तो सबसे पहले इनसे मिलवाते हैं। तो हमारे न्यूज चैनल आपका स्वागत है सर। नमस्कार, मैं कैप्टन दिलीप कुमार यादव बीरपुर वार्ड नंबर 1 का स्थायी निवासी हूँ। मैं सन 1978 में 18 साल की उम्र में सेना में भर्ती हुआ था। लगभग 40 साल देश का सेवा करने के बाद मैं वापस अपनी मातृभूमि बीरपुर में पुनः स्थापित हो गया हूँ और मैं अब पिछले 4 साल से मैंने यहाँ आके देखा बीरपुर का स्थिति बस से बदतर होते जा रही है। भ्रष्टाचारी आसमान में चढ़ी हुई है, रोड का काम बस से बदतर है, बिजली आती है जाती है, शिक्षा कहीं है भी नहीं, बच्चे यूथ जो है भ्रष्टाचारी में, गलत संगत में, व्यापार में, ये खास करके जो है ये आपका जो शराब में लिप्त हो गए हैं, शराब बंदी में लिप्त हो गए हैं। नेपाल से शराब लाता है और इंडिया में सप्लाई करता है। इस सब को देख के मेरे मन में आया जो मैं इस यूथ को कैसे संभालूं। मैं मुझे ये देख के काफ़ी दर्द हुआ और उसी को देखते हुए मैंने अपने निजी ज़मीन फतेहपुर में एक कैप्टन फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की, जिसका जो है बेहतर परिणाम मिलना शुरू होगा। लगभग 1.5 साल ही चलने के उपरांत आज जो है बीरपुर के यूथ पिछले मार्च में 5 लड़के सिलेक्ट हुए। मैं सर्विस के दौरान लगभग 30 लड़कों को आर्मी में और बेल्ट की सर्विस में नौकरी दिया या उसको मदद किया। अब कहते हैं कि देश के एक सैनिक ही होते हैं जो ईमानदारी से, पूरी मेहनत और लगन से, दिलो दिमाग से किसी कार्य को करते हैं और आज यही रिटायर्ड आर्मी है जो आज समाज सेवा की भावना से चुनावी दंगल में आ रहे हैं। तो क्या लग रहा है सर कि पूरी ईमानदारी से अगर यहाँ की जनताओं ने आपको अगर इस बार समर्थन दिया और आप अगर जीत को सुनिश्चित किए तो इस नगर पंचायत की तकदीर को बदल देंगे? बिल्कुल, मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है बीरपुर की जनता मुझे जरूर चाहेगी क्योंकि मैं निस्वार्थ भावना से इस फील्ड में उतरा हूँ। देखिए सर, आपके जो प्रतिद्वंदी है बीरपुर नगर पंचायत से सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो अध्यक्ष पद की दावेदारी पेश करने जा रहे हैं, आखिर अपने प्रतिद्वंदी को किस तरह से आप मात देंगे, इसके लिए क्या रणनीति बना रखे हैं, जनताओं के बीच किस तरह से जनताओं के दिल को जीतेंगे और अध्यक्ष पद की जीत को सुनिश्चित करेंगे? नमस्कार, मैं जनता का दिल तो जीत चुका हूँ, मुझे ये आत्मा आवाज देती है। मैं जिस घर में भी जाता हूँ वह दिल से स्वागत करता है और वो बोलता है जो मैं इस बार आपको ही लाऊंगा क्योंकि आपने देश का सेवा कर कहा है और समाज के लिए, आप ही नहीं, आपके पूर्वज भी, आपके पिताजी भी बहुत बड़ा योगदान दिया है और निस्वार्थ होकर दिया है उस विश्वास। तो अभी आपको सर बीरपुर नगर पंचायत की जनता सुन रही है, उस जनताओं को सबसे पहले ये आप बता दीजिए कि आप जो चुनावी दंगल में आ रहे हैं किस प्रायोजन से आ रहे हैं, मुद्दा क्या है आपका, आखिर किन समस्याओं को देखकर आपके मन में इस तरह की विश्वास और आकांक्षा उत्पन्न हुआ कि मैं नगर पंचायत से चुनाव लड़ूं? सब सर्वप्रथम जो है भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार आज जो है नगर में बहुत ही ऊपर बढ़ गई है। भ्रष्टाचार पर नाम आज जो है एक आप जन्म का जो है प्रमाण पत्र लेने जाए वो लेने में महीनों लग जाता है। दूसरा जो है आज जो है पीएम का जो आपको जो है योजना मिलती है उसमें भी कमीशन लिया जाता है। जो भी काम, जो सरकारी काम किया जाए, रोड ही बनाया जाता है उसमें भी भ्रष्टाचारी है। अगर जो है 2 इंच उसमें ढलाई करने का तो वहाँ 1 इंच किया जाता है। हर एक जगह कमीशन बना हुआ है। यानी आपका बीरपुर नगर पंचायत जो है अन्य समस्याओं से घिरा पड़ा है, यहाँ पे समस्याओं का अंबार लगा है और भ्रष्टाचार का आलम यहाँ पर काफी हद तक बढ़ा हुआ है। आप मुझे ये बता दीजिए सर फटाफट कि अगर आपको यहाँ से जनताओं के, यहाँ के युवाओं के अगर आशीर्वाद से, सहयोग से अगर जीत सुनिश्चित होती है तो 4 ऐसे 5 ऐसे कार्य बता दीजिए जो तत्काल आप जनताओं के बीच करेंगे। बिल्कुल सर, प्रथम मेरा पहल होगा भ्रष्टाचारी को जड़ से मिटाऊं। दूसरा होगा रोड का जो हालत है, जो पहले जो दौड़ते हुए जाते रोड का हालत बहुत ही सुदृढ़ ढंग से करूँ। तीसरा जो है बिजली का जो है कंटिन्यू
व्यवस्था रहे, अब बिजली पर जोर होगा। और जो चौथा मेरा आजा है, छात्र छात्राओं का करियर का प्लानिंग करूँ। छात्र छात्राओं का करियर प्लानिंग करने के लिए मैंने शुरुआत अपना जो है पुनः मैंने आज से 1.5 साल पहले कर चुका हूँ, जिसका सुखद परिणाम आ रहा है, जिसमें जो है यूथ को जो मैं चाहूँगा मैक्सिमम यूथ जो सरकारी नौकरी में जाए या जो है प्राइवेट नौकरी में जाए, उसके लिए मेरा जो है बहुत अच्छा पहल पहले से चल रहा है और उसमें मैं कामयाब हो रहा हूँ और उसकी उसके उसका रिजल्ट जनता मुझे दे रही है। और इसी अच्छा पहल पहले से चल रहा है और उसमें मैं कामयाब हो रहा हूँ और उसकी उसके उसका रिजल्ट जनता मुझे दे रही है। और इसी इन्हीं सभी छोटे मोटे कामों को परिणाम देने के लिए मैं आगे बढ़ चढ़ के इस पूरे नगर को चमकाना चाहता हूँ। पांचवा जो मेरा काम है वो नगर का सौंदर्यीकरण, नगर का जो सौंदर्यीकरण होगा तो जो है नगर चमकेगी। मैं बाहर में देख चुका हूँ, मैं राजस्थान में भी 13 साल रह चुका हूँ, वहाँ परिवर्तन होता है। हर एक 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी, मैं वही धरा यहाँ भी चाहता हूँ। जब कैंडिडेट तो मेरे रहे हैं, वो जो है 20 साल से 25 साल से यहाँ पर किया है, बहुत अच्छा किया हो। सर आपसे एक आखिरी सवाल है लेकिन कड़वा है, आप मुझे ये बताइए कि शुरुआती दौर में जब भी कोई प्रतिनिधि कोई प्रत्याशी चुनावी दंगल में उतरते हैं तो उनका मुद्दा होता है कि मैं क्षेत्र का विकास करूंगा, अन्य सरकारी लाभ को प्रत्येक घर में पहुंचाने का कार्य करूंगा, लेकिन बाद में वही लोग जब जीत को सुनिश्चित करते हैं तो खुद का विकास में लग जाते हैं, कहीं ऐसा तो आप नहीं करेंगे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा क्यों करूंगा। मेरा आज मेरे परिवार में 10 से 12 जो है नौकरी में, आज मेरा पूरा परिवार भरा फूला फूले हुए हैं। घर मैं 3 भाई हूँ, तीनों आर्मी अफसर हूँ, मेरा बेटा खुद कर्नल है, मेरा जो दूसरा बेटा खुद मैनेजर है, बेटी मेरी आज इटली यूरोप में जॉब कर रही है, तो मैं किसके लिए कमाऊंगा। अब तो मैं रिटायरमेंट का लाभ नगर के लिए, नगर का एक सेवक बनकर, नगर का जो है सौंदर्यीकरण के लिए, नगर का विकास के लिए काम करूंगा। इसी में जो अपना जो है अब जो लास्ट जो है मेरा जिंदगी इसी में व्यतीत। मैं इस चैनल से कहना चाहूंगा, एक बार हमें अपना बहुमत दे, एक बार विश्वास करें। आपका सैनिक बॉर्डर पर तो करता हूँ, डेली न्यूज चैनल में आप देखते हैं सुनते हैं, नगर में सिविलियन बन के क्या कर सकता है वो आपको स्वतः ही 2-4 महीने के बाद आपको दिखाई देगा। एक बार विश्वास करें। इसी मैं एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जो अब पूरे नगर वासी को मौका मिलना चाहिए, समय देने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ जिसको आप सुन रहे थे, दिलीप कुमार यादव जी जो सेवानिवृत्त आर्मी रह चुके हैं। इन्होंने पूरी ईमानदारी से तकरीबन 40 वर्ष तक देश की सेवा में अपना कर्मठ योगदान दिया और अब इसका अपेक्षा है कि आकांक्षा को लेकर बीरपुर नगर पंचायत में आए हैं और नगर पंचायत की यहाँ की समस्याओं को देखकर इनसे रहा नहीं गया और इस बार अध्यक्ष पद के रूप में चुनावी दंगल में उतर रहे हैं। तो आप किस योजनाओं को लेकर आए हैं, क्यों लड़ रहे हैं, आखिर यहाँ पे जो भी अन्य समस्याएं हैं जिनसे यहाँ की जनता प्रभावित है और कराह रही है, क्योंकि इसका पहला प्राथमिकता है कि यहाँ पे भ्रष्टाचार जो बड़े पैमाने पे व्यापक है उनको समाप्त करना। तो निश्चित तौर पे देखा जाएगा कि आगामी चुनाव में यहाँ पे जनताओं का क्या सहयोग और समर्थन प्राप्त होता है और ऐसे अगर रिटायर देश के जवानों का अगर एक बार समाज सेवा में, एक बार अगर नगर पंचायत में चेयरमैन के रूप में अगर मौका मिले तो निश्चित तौर पे इस नगर पंचायत का विकास भी संभव होगा। तो आज के लिए इतना ही, हम जल्द वापस आते हैं, धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।